हेलो स्टूडेंट्स आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर देखें एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का ये बीच में आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है रेड कलर का

इस पर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ये रेड लाइंस पर ये नेटवर्क पर इस पर ये जो ब्लैक डॉट हैं ये राइबोसोम हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते ये दो सारा डिफ्रेंस हो गया थर्ड हम लिख सकते हैं फॉर्मड ऑफ सिस्टर्नी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो लॉन्ग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसे फ्लैटन सेक्स भी बोलते हैं इसे सिस्टर्नी कहा जाता है और इसके जो बीच का स्पेस होता है उसे सिस्टर्नल स्पेस या फिर ल्यूमर्स कहते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम ये टेब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा नेक्स्ट है कि इट मे डिवेल्प फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रफ एंडो रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस होता है बीच में और न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वहां से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और जो स्मूथ एंडो रेटिकुलम है यह इट मे डिवेल्प फ्रॉम आर ई आर यानी कि ये रफ एंडो रेटिकुलम से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं जो रफ एंडो रेटिकुलम है ये मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इस पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यह है इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और ये राइबोसोम प्रोटीन की प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैन्युफैक्चर करता है लिपिड तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड मैन्युफैक्चर और जो रफ है यह प्रोटीन तो ये थी हमारे मेन डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में Thanks for watching.